इसराइल और हमास जंग के बीच शनिवार को गाजा में इसराइली एयर स्ट्राइक में 83 लोगों की मौत हो गई, वहीं 105 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार यह हमला उत्तरी गाजा के अद्वान अस्पताल के पास हुआ। इस एयर स्ट्राइक में इसराइली सेना ने उन शिविरों को टारगेट किया जहां हजारों लोगों ने शरण ली थी। हमले के कारण आसपास की बिल्डिंग गिर गई और बिल्डिंग के मलबे की चपेट में आने से कई लोग दब गए। राहत और बचाव दल लोगों को वहां से निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। शनिवार को ही इसराइल की सेना ने जबालिया शिविर में एक पानी के कंटेनर को निशाना बनाया था, जिससे फिलिस्तीनी लोग पानी भर गए थे। इस हमले में 8 लोग मारे गए और 10 घायल हो गए। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। घायलों की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है।